कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर 1 से 2 करोड़ की लागत की मुतद्दिस स्कीमें एपीडी में रखी गई हैं। स्टील टाउन और भगवान गौड़ डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में कृष्णा मंदिर के स्टंस हॉल और 4 दीवारी के तमीराती कामों के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत, सिंध के वजीर बराए अकलीती अमूर ज्ञान चंद इस्टानी ने कहा कि सिंध में अकलीती अमूर के तहत जारी 850 स्कीमों में से बेशतर स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं और बकाया स्कीमें भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी, जबकि मजीद 1 से 2 करोड़ रुपए की लागत के मुतद्दिद स्कीमें एडीपी में रखी गई हैं। इस बात का इजहार उन्होंने स्टील टाउन में कृष्णा मंदिर के स्टंस हॉल और 4 दीवारी के तमीराती काम के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनोरिटी विंग सिंध के नायब सदर मुखिया अधामिल और मकामी अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया से बातचीत करते हुए ज्ञानचंद इसरानी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसके चेयरमैन को अकलीती बरदरी से दिली हमदर्दी है और उनकी खसूसी हदायत पर ही सिंध भर में अकलीती बरदरी की फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुल्क के दुश्मनों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं होती है, सानहा 9 मई के मुजरमों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हिंदू बच्चियों की जबरी मजहब तब्दीली और शादी के हवाले से एक सवाल पर सूबाई वजीर ने कहा कि इस अमल की रोकथाम के लिए सिंध वो वाहिद सूबा है जिसकी असेंबली ने एक बिल पास किया है जिस पर मजीद काम जारी है।